अस्सलामुअलैकुम। आज 30 अक्टूबर 2023 है, तो तसी का एनालिसिस करते हैं आप। सो तसी कल क्लोज हुआ था 10,470 पॉइंट्स के अराउंड। तो अभी मैं तो मार्केट से आउट हो गया था जब 10,530 से नीचे मार्केट क्लोज हुई थी लास्ट वीक, तो मैं तो इसमें से आउट हो गया था। अभी मैं 100% कैश पे हूँ, तो क्योंकि मार्केट में अभी बेयरिश ट्रेंड है, अभी नेगेटिव बेयर्स कंट्रोल में है, तो जब तक अभी 530 से ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो सकती तो मैं तो इसमें एंट्री नहीं लूँगा। और आपको भी यही मशवरा है कि आप एंट्री ना लें। अगर डे ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप उसमें लॉन्ग टर्म या उसकी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए अभी आप इसमें एंट्री ना लें, क्योंकि मार्केट 9,600 को तक जा सकती है अभी नीचे को, उसके चांसेस हैं। लेकिन हो सकता है कि इससे ऊपर ही रिकवर हो जाए, और 530 से जब ऊपर क्लोज होगी तो फिर इसमें एंट्री बनती है। अभी इसमें एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट अभी नीचे की तरफ ही ट्रेंड है उसका। जो अगर आपने अभी एंट्री लेके रखी हुई है तो उसको अभी एवरेज ना करें आप। एवरेज आप तब करेंगे जब 9,600 के पास जाएगी या 10,530 के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ एक वीक से वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मार्केट में मैं आउट हो गया था। तो जब मैं मार्केट में दोबारा इन हूँगा तो फिर मैं डेली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या उसमें ट्रेंड चल रहा है। अभी तो मैं 100% कैश पे हूँ, जैसे ही कोई मैं एंट्री लूँगा और आपको भी मैं बता दूँगा कि अभी मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। अभी तो फुल बियर कंट्रोल में है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ मार्केट को। और डे ट्रेडिंग की कोई एक आध अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें कर सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी नेगेटिव है। शुक्रिया।